देखे राष्ट्रीय दिव्यांग पालकी का जो उद्देश्य है वो हमेशा दिव्यांगों के हित के लिए समान वर्ग के लोगों के लिए लगातार हमेशा से सरकार द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। मतलब उनकी नज़र में हर दिव्यांग हर पूरे साल खुश रहता है और इतना करोड़ों रुपये खर्च करके वो 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस मनाते हैं, जबकि हर देश का हर जिले का हर नगर का एक एक दिव्यांग पढ़ाई पढ़ाई अंगाम है, गरीबी में है, अपने परिवार को खिला नहीं पा रहा है और ना वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहा है। लेकिन ऊपर के लोग, सरकारी लोग और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस पर्व को ऐसा मनाते हैं जैसे जैसे कि उनके खजाने में पैसा पता नहीं कहाँ से आता है। दिव्यांगों का शोषण करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं और पूरे साल का पैसा तो 3 दिसंबर को भारी मात्रा में सिर्फ अपने नाम को कमाने के लिए, सिर्फ अपनी सरकार की पहचान कराने के लिए वो खर्चा करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन दिया क्या? देखो उसमें कई मांगे हमारी हैं, जिसमें हम हमारी पहली मांग है पेंशन, जो हम लोग शुरू से मुद्दा है 500 रुपये। 500 रुपये में आजकल क्या होता है ये सरकार स्वयं बता दे, 500 रुपये पेंशन देती है बहुत ही कुछ लोगों को देती है, संपूर्ण दिव्यांग को मिलता भी नहीं है। उसकी मांग है 5000 रुपये हो, आवास जो दिव्यांगों को आते हैं और अध्यक्ष अधिकारी उसको खा जाते हैं दलालों के माध्यम से, इसका एक जांच हो और दिव्यांगों को हमारे आवास मिले। हमारे दिव्यांगों नौकरियों की मांग है, जो दूसरे दरअसल पढ़े लिखे दिव्यांग जो घूम रहे हैं, जो पैसा का नहीं खरीद सकते, उसमें हवा नहीं खा सकते, उनका ये मांग है कि उनको एक रोजगार दिया जाए। 11 सूत्री मांगों को लेकर मैंने आज ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री को 12 बजे। आगे अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती है महीने घर के अंदर, अगर ये सरकार जाने वाली है, अगर ये सरकार इसमें नहीं सुनती है, तो हम लोग 2022 में अपने मतदान का प्रयोग करके इस सरकार को भगाने का काम करेंगे, घर से उठा फेंकने का काम करेंगे।